still be there. This is a married life. We get down to the beat, y'all. We get down. Everyone, good morning and welcome to my channel Ruchi Style Corner. So vlog वैसे मैंने पहले start कर दिया था, तो वो जो start किया हुआ part है ना, वो मैं पहले यहाँ पे clipping डालती हूँ. मैंने ऐसे formally start नहीं किया है, तो आप पहले वो देख लीजिए. Hello everyone, so हम लोग आज निकले हैं, Saturday है. मुझे नहीं पता आप ये vlog कब देखोगे मैं, but हाँ जब भी है मतलब आज Saturday है, तो विक्की और हम दोनों अभी जा रहे हैं कहाँ पे, DB Mall. मैं आपको भोपाल का वेदर दिखाती हूँ. मतलब हम जिस दिन से मैं पता ये खुश हो रही थी, मतलब मुझे आपको पता होगा ना मेरे को काफी टाइम तक कफ था, तो मेरा जो मेन रीजन था मैंने डॉक्टर से बोला था कि वेदर चेंज की वजह से हो रहा है, बिकॉज मुंबई में बहुत गर्मी होती थी और यहाँ ठंडी होती थी. तो मैं सोचती थी चलो गर्मी में दोनों जगह वेदर सेम हो जाएगा तब सही रहेगा, बट अभी गर्मी में यहाँ पर बारिश हो रही है. मतलब मैंने कभी भी इतना बेकार वेदर भोपाल का नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. धूप कभी भी आ रही है, कभी भी बारिश है, तो टोटल केस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ही है. और अभी हम लोग 8-9 days के बाद फिर से बॉम्बे जाने वाली हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ साथ में. ईशा के भाई की इंगेजमेंट है तो उसके लिए जा रही हूँ, वो पूरा मैं कवर करूंगी, प्रॉपर राजपूत इंगेजमेंट वगैरह. अभी तक मेरा डिसाइड नहीं हुआ है मैं कौन से कलर वाला पोशाक पहनने वाली हूँ. मेरे पास 3 कलर है, पिंक, येलो और रेड. तो रेड वाली जो मेरी पोशाक है वो ऑलरेडी बॉम्बे में रखी हुई है, तो मे भी पॉसिबल कि मैं वही पहन लूंगी, क्योंकि मेरे को अभी ना पोशाक भी हैवी होती है यार, इधर सुधर नहीं करना. वो मैंने रखी इसलिए थी कि वहाँ बॉम्बे में रेड वाली पहन लेंगे, और अभी मैंने उसको इतना पैसा वसूल भी नहीं किया उस पोशाक का, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. एंड मेरी जो तीनों पोशाक है वो गिफ्टेड है, एक भी मैंने खुद से अभी तक खरीदी नहीं है. अब लेकिन मैं खरीदने का बहुत टाइम से सोच रही हूँ, इस बार खरीदूंगी. खैर निशा के भाई की शादी के लिए, हाँ मैं बाहर का दिखाती हूँ. मई की एक थी तपती झुलसती गर्मी में हमारा भोपाल बन रखा है एकदम हिल स्टेशन, पूरा ग्रीन हो रखा है. वैसे भी ग्रीन ही रहता है, बट बारिश हो जाती है तो थोड़े पौधे जो होते हैं वो खिल जाते हैं, पेड़ पौधे. तो एकदम इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स ब्लूम हो रखे हैं, पर्पल कलर के, रेड कलर के, पिंक कलर के, सब जगह रोड्स पे. एंड बहुत ही वैसा वेदर हो रखा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गर्मी चल रही है, ऐसा लग रहा है मानसून आ गया है. मतलब भोपाल ने इतना सुंदर हिल स्टेशन बन रखा है, हालांकि इस वेदर को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी खेती के लिए, बहुत फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब वेदर है. हमारे यहाँ घर में खुद खेती है तो हम लोगों को पता है कि मतलब क्या सिचुएशन है. बिल्कुल सुबह सुबह इतनी ठंड लग रही थी हम लोगों को, हम लोग निकले थे आज, और रात में भी बहुत ठंडा हो गया है. तो हम लोग जा रहे हैं डीबी, और क्यों जा रहे हैं, एक्चुअली विक्की को थोड़ा बहुत फॉर्मल्स लेना था, और मैं भी मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक लेने नहीं जा रही हूँ, बट अगर कुछ अच्छा लगेगा तो ले आएंगे ऐसा. और फिर सैटरडे रहता है तो हमारा विक्की को घर में बैठना पसंद नहीं, उसको ऐसा है कि कहीं चलो. मैंने अपने कुछ शेड्स वगैरह भी देखे थे बट फिर मैंने लिए नहीं क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज हो गई थी. हाय एवरीवन, सो आज है संडे. कल मैंने आई थिंक बताया कि नहीं बताया कल मैंने क्या क्या शॉप किया था, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है मैंने बताया कि नहीं बताया. तो कल मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी है, जो लेने के लिए गई थी मुझे फिर से नहीं मिला, तो मैं ऐसे ही बस एक दो टी शर्ट लेकर के और स्टिकर्स लेकर के आ गए. हम लोग दूसरे एरिया में गए थे. हम लोग जा रहे हैं मेरे चार चाची के घर पे, जो वो पंजाबी चाची है उनके घर पे जा रहे हैं. सो उनका क्या है यहाँ पर, देखो गवर्नमेंट जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, वो मोस्टली गवर्नमेंट उसमें रहते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अकोमोडेशन होता है, तो अभी वो उसी में रह रहे हैं. अभी वो कंटिन्यू उसी में करेंगे, बट उन लोगों का जो खुद का घर है, जमीन लेके जो बनवाते हैं ना, तो बंगलो स्टाइल बनवाया है उन्होंने, और बहुत अच्छा बनवाया है. तो जब वो जमीन ली थी और वहाँ पे काम स्टार्ट होना था, तब तो मेरे मम्मी पापा गए थे, तब हम लोग यहाँ पे नहीं थे. तब से लेके अभी तक हमारा बस ये चल रहा था कि अभी जाएंगे देखने, तभी जाएंगे. बट हम दोनों विक्की और हम देख ही नहीं पा रहे थे, और हमेशा चाचा बोलते थे तुम लोग कल आ जाना. जब क्या सबसे पहले जो डिजाइन बनी थी वो विक्की और चाचा ने बैठ के डिजाइन डिसाइड किया था कि ये सीढ़ियां कहाँ से जानी है ये गानी. बट हम देख मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था कि हम देख ही नहीं पा रहे थे. पहले मम्मी का हुआ, फिर टीनू की शादी हुई, फिर हम वहाँ चले गए, फिर पापा का ये, मतलब हम ऐसे कुछ ना कुछ उसमें इंगेज एंड ऑक्यूपाइड थे कि नहीं देख पाए थे. फाइनली आज हम जा रहे हैं, और आज भी इतनी बारिश थी सुबह, मतलब जब हमारा डिसाइड हुआ था 2-3 बजे जाने का, यहाँ पे ओले गिरे आज भोपाल में, लिटरली ओले गिरे. तो इतनी बारिश थी, मैंने मन में यही सोच रही थी, मैंने कहा यार अपन देख नहीं पा रहे. अब भी जैसे जैसे मौसम थोड़ा खुला है तो अब हम लोग जा रहे हैं. विक्की ने उनको कॉल करके बोला आप बस रेडी रहो, हम उनको अब गाड़ी में बैठाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे देखने के लिए. सो यस लेट्स गो. तो ये है भोपाल का 4 इमली का एरिया. यहाँ पर भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं, तो जहाँ पर भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने हुए होते हैं ना, वहाँ बहुत ग्रीनरी, ओपन एरिया, खुला खुला, क्लीन, मतलब बहुत ऐसा वाइब रहता है. तो बस हम अभी पहले उनके घर आए हैं, उनको पिक करेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे उनका जो नया वाला घर है वो देखने के लिए.
तो अभी मैं आपको पूरा घर नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ ये एक बैल्कनी एरिया है फर्स्ट फ्लोर का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बाद में कभी दिखाऊंगी, अभी काम चल ही रहा था क्योंकि अंदर बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। एंड मेरे मम्मी पापा और चाची चाची का जो घर है वो सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, मतलब एकदम पास पास रहने वाले हैं ये। एंड ये एरिया है, आप फ्लावर्स देखो, मतलब मैंने खुश हो रही थी देख देख करके कि ट्रीज पे जो फ्लावर्स हैं वो क्या मस्त तरीके से ब्लूम हुए हैं पूरे भोपाल में, इतना सुंदर लग रहा था रोड्स पे घूमने में। एक और चीज़, घर छोटा हो या बड़ा, अगर घर के पास या घर की बैल्कनी या घर के आसपास बहुत सारे प्लांट्स या ट्रीज रहते हैं ना, तो उसकी सुंदरता 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू आप कितना भी एक्सपेंसिव बड़ा सा घर बना लो और उसके पास एक भी प्लांट या ट्री या ग्रीनरी नहीं है, है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्रीनरी देखते से ना मन को बहुत अच्छा लगने लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग घर गए, वहाँ पर यश ने गिटार सीखा हुआ है, वो भी यूट्यूब के थ्रू, कैन यू इमेजिन, और वो इतना सही गिटार बजाने लगा है, तो उसका मैं आपको यहाँ पर कुछ कुछ क्लिपिंग्स डाल देती हूँ। तो मैं आपको वही घर दिखा रही हूँ, देखो जिनके सामने प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो घर कितने सुंदर लग रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो आपने देखा होगा वीडियो में बहुत सारी बार कहीं कहीं रेडी होकर के गई, बट आई डिड नॉट शेयर गेट रेडी विथ मी, तो मैं जो वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं क्या अपने फेस पे लगा रही थी। आपको पता होगा जैसे प्राइमर हम लोग लगाते हैं कोई भी बेस लगाने से पहले, तो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ द डर्माको का 2% नियासिनमाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये ऐसा वैसा प्राइमर नहीं है, यूजुअली जो मार्केट में प्राइमर्स मिलते हैं वो क्या करते हैं, आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देते हैं, बट ये जो प्राइमर है ये क्या करेगा, आपके पोर्स को ब्लर आउट तो करेगा ही, बट वो टेम्प्रेरी बेसिस पे नहीं करेगा, ये एक तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है आपके फेस पे, यह परमानेंटली आपके पोर्स को ब्लर आउट करेगा। जो की इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनमाइड। एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इवन आउट करता है आपके स्किन टोन को। विटामिन ई मिला हुआ है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपके ड्राई और फ्लेकी स्किन को नरिश करता है। सेबोक्लियर MPTM इसमें मिला हुआ है, ये क्या करता है, सेबेशियस ग्लैंड्स को रिड्यूस करता है, ट्रीट करता है ब्लैक हेड्स एंड इनहिबिट करता है द ग्रोथ ऑफ एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया फॉर स्मूथ ऑयल फ्री स्किन। बेसिकली क्या करता है, आपके फाइन लाइंस एंड पोर्स को मिनिमाइज करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला, बिल्कुल आपको पी साइज अमाउंट लेना है, अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से लगा लेना है इसको, और आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं ये 2% नियासिनमाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम बाय अगेन द डर्माको। नाउ ये जो बीबी क्रीम है, ये इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनमाइड, जो कि अगेन एक्ने मार्क्स एंड स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा एंड इवन आउट करेगा आपकी स्किन टोन को। ये जो बीबी क्रीम है गिव्स कवरेज विच हेल्प्स इन कंसीलिंग एक्ने मार्क्स, ब्लेमिशेस एंड डार्क अंडर आईज, एंड इसमें नियासिनमाइड मिला हुआ है, तो इट हेल्प्स इन सॉल्विंग दीज इश्यूज परमानेंटली ओवर टाइम। ये जो बीबी क्रीम है ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है, जो कि आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड इवन टोन स्किन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ SPF 30 का प्रोटेक्शन भी देगा, जिससे ये सन से प्रोटेक्ट हो। बीबी क्रीम जो है ये करता क्या है, ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स को आपकी स्किन से रिड्यूस करता है, आपको इवन टोन एंड हाइड्रेटेड स्किन देता है, SPF 30 टू गिव सन प्रोटेक्शन, लाइटवेट है और नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, बिल्कुल भी आपको ऐसे चिपचिपाहट फील नहीं होगा, आप समझ में बेधड़ाक लगा के इसको जा सकते हैं, बिकॉज ऑयल नहीं आएगा आपकी स्किन पे। फ्रेग्रेंस फ्री है, डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट है, सेफ एंड इफेक्टिव है, आप इसको एवरीडे यूज कर सकते हैं, इट्स दैट सेफ। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा इन प्रोडक्ट्स का, चेक जरूर करिएगा। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे, यू विल गेट 20% डिस्काउंट द डर्माको की वेबसाइट पर। कभी भी डर्माको का कोई भी प्रोडक्ट डर्माको की वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलोंग विद भूमि। एक बहुत ही अच्छा कॉज है, आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है और एक आप बहुत अच्छे कॉज को कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो ट्राई जरूर करिएगा प्रोडक्ट्स को। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे का व्लॉग। हाय एवरीवन, सो अभी हम लोग आए हैं MP नगर शाम को। आज एक्चुअली हम लोग पापा को लेकर के वैद्य के यहाँ भी गए थे, वैद्य जी के यहाँ, जो मैंने बताया था एक आयुर्वेदिक है, भोपाल में नहीं है वो, हम लोग बाहर लेके जाते हैं उनको, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, जाने का लगता है आने का लगता है, तो वहाँ हम लेके गए थे। और अभी फिर हम लोग आए हैं MP नगर, बिकॉज हम लोगों को जो हमारा ऊपर वाला घर है ना, वहाँ पे पेंट हुआ है, सेकेंड जो बेडरूम है उसमें हम लोगों को वॉलपेपर लगाना है, टेक्सचर पेंट था, मतलब जब से घर बनाया तब से वो टेक्सचर पेंट था, और वो एज इट इज अभी भी चलता, बट विक्की ने उसमें पुट्टी उट्टी करवा दी है, और अब थोड़ा पुराना भी हो गया, बोर भी हो गए, तो हम लोग लेने के लिए आए हैं वॉलपेपर। तो मेरी मदर इन लॉ ने तो बोला तुम लोग अपनी पसंद का लेके आ जाओ, बट फिर भी भाई उन लोगों का घर है, तो हमने उनसे पूछा है कि किस टाइप का चाहिए, तो उनको थोड़ा डार्क शेड में चाहिए उस वॉल के लिए, तो मेरे को एक वॉलपेपर बहुत पसंद आया, वो मुझे हॉल के लिए बहुत पसंद आया है, तो
उसको, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं दिवाली के टाइम पे करते हैं तब और अच्छा स्टॉक आएगा। अभी फर्स्ट हम लोग ट्रायल दे रहे हैं सेकंड बेडरूम के लिए। तो ऑनलाइन वाले जो वॉलपेपर्स होते हैं वो आप लगा सकते हो, बट वो ना फिर वैसे टेम्परेरी होते हैं, मतलब रेंटेड वेंटेड घर हो तो आप लगा भी लो। अभी यहाँ पर खुद का है और फिर अच्छा लंबा चलेगा वो, तो इसलिए हम लोग खरीद रहे हैं और देखते हैं। तो चलिए आज वही शॉपिंग करने आए, हमारी दो शॉप्स पे तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, बट अभी हम नई कुछ शॉप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो यस लेट्स गो। यहाँ पे वैसे मेरा पुराना ऑफिस था एमबी नगर में, मेरी कोचिंग्स थी, बहुत सारा टाइम यहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड किया हुआ है। तो हम लोग आए हैं वॉलपेपर की शॉप्स पे, एमपी नगर में भरमार है, मतलब एमपी नगर जोन टू में आपको अगर भोपाल में रहते हो और आपको इस तरीके के वॉलपेपर की शॉप चाहिए तो बहुत सारी हैं और काफ़ी अलग अलग रेंज में है, सब तरीके की वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। मतलब वो वाला भी जो अगर एक और है, कहाँ ये था ना, ये भी करेंगे तो मुझे लग रहा है थोड़ा डार्क ना हो जाए। ये तो परफेक्ट ऊपर वाले से मैच कर रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। एंड कुछ अलग भी है, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने जो काम कराया लकड़ी का वो एक्सटेंड कर दिया। हाँ ये डिजाइन देखिए, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ये रही। अपने जो वुडवर्क का कलर है वो डार्क ब्राउन है कि ये है ना। हाँ बस मुझे वो 100% लग जाएगा ना। नहीं तो दो दिन क्यों लगेंगे, तो दो घंटे का काम है भैया। तो वॉलपेपर हमारा बुक हो चुका है, जो वर्टिकल लाइंस वाला है वो हमने बुक किया है। मुझे यहाँ पे एमपी नगर जोन टू में नियॉन साइंस वाली एक शॉप मिली थी जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेट में थी, मतलब ऑनलाइन तो ये लोग बहुत एक्सपेंसिव सेल करते हैं, अगर ऑनलाइन 4000 का है तो यहाँ आपको 2500 में मिल जाएगा, बहुत सही था। आप कोई भी साइन बनवा सकते हो बड़े से। तो कल मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, मैंने कहीं पर भी कोई पोस्ट नहीं अपडेट किया है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही नॉर्मल हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, जैसे मेरे चाचा चाची लोग आ गए थे विद फैमिली और मेरे लॉज नीचे आ गए थे, तो ऐसे हम लोगों ने फैमिली वाला क्लोज वाला सिर्फ छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लिया था। मेरी जो चाची है वो मस्त इडली विडली बना के लेके आ गई थी, मम्मी ने यहाँ पे छोले वगैरह बना दिए थे, तो वैसा वो सेलिब्रेशन हुआ हम लोगों का। उसकी मैं पिक्चर डाल दूंगी एक आध, यहाँ पर अभी स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो आज मैं अभी जाने वाली हूँ अपनी दो फ्रेंड्स से मिलने के लिए, करिश्मा और दीक्षा। बहुत टाइम से हम नहीं मिले, आई थिंक दो तीन महीने हो गए हम लोगों को मिले हुए। दीक्षा इज मूविंग टू न्यूजीलैंड, तो उस वो नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली चली जाएगी, नेक्स्ट मंथ अभी मतलब 2-3 डेज के बाद मैं वापस मुंबई जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो इसलिए वो कल ही या परसों दिल्ली से आई है और हमारा आज मिलने का डिसाइड हुआ है, जबकि इतनी बारिश हो रही है, कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ भोपाल में, इनफैक्ट आज भी रेड अलर्ट है। बट हम लोगों ने बोला भाई तैर के आएंगे, बट आज तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नहीं रहूँगी और फिर आई डोंट नो वो कब है कब नहीं है, और हम लोग काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं, एंड वी वर डाइंग टू मीट विथ ईच अदर। तो मैंने ये दो ड्रेसेस निकाल के रखी है, एक तो या तो मैं ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँगी एंड या फिर मैं ये वाला एक कॉर्ड सेट है ये पहन के जाने वाली, मतलब पर्पल ही पहनूंगी दोनों में से। कल हमारे ना छोले बने थे तो अब बहुत सारे, एक्चुअली दो लोग आए नहीं थे जिन लोगों के लिए बने थे, एक और मेरे भैया है वो नहीं आए थे और एक और मेरे चाचा हैं वो नहीं आ पाए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो लोग नहीं आए थे, तो इसलिए काफ़ी सारे छोले बच गए। तो अब हम लोग आज सुबह क्या करने वाले हैं, टिक्की बना रही है मेरी मम्मी, तो आज मैं खाऊंगी आलू टिक्की। और अभी जब से मैं आई हूँ ना, पिछले 3-4 दिन हुए हैं मुझे, 3 दिन हुए आए हुए, डेली हमारे यहाँ कुछ ना कुछ नया और ज़बरदस्त चीज़ बन रही है, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है तो गर्मी नहीं लगती बनाने में, और मेरी मम्मी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही रही है बनाने में, तो वैसा है। सो या लेट्स गो। ओके गाइस, सो आई जस्ट कर्ल्ड माई हेयर, बहुत ही जल्दी में किया और बहुत दिनों बाद किए तो मैं थोड़े से भूल भी गई हेयर कर्ल करना, बट येस मैंने सोचा था कि मैं गेट रेडी विद मी बनाऊंगी, बट इस बार ऐसा हुआ है कि मेरी जो दोस्त है वो लोग मुझसे जल्दी है और मैं पहली बार उनसे लेट हूँ, तो अब मुझे फटाफट रेडी होना है। 5-10 मिनट का डिफरेंस चलता है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा अगर वीडियो में मैंने बोला था ये मेरे लेट दोस्त है, 2 घंटा लेट आए थे, बट अभी वो लोग एकदम टाइम पे चल रहे थे, मैं फटाक से पहले रेडी होती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो निकल चुकी हूँ मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलने के लिए, क्या पहना हुआ है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बिकॉज मैंने वन शोल्डर टॉप पहना है, तो मैंने ना अपने, क्योंकि मेरे इन-लॉज जस्ट ऊपर ही रहते हैं ना, तो ऊपर से मेरी मम्मी भाई, मेरी मम्मी अलग ले मैं, बट फिर मैंने ऊपर से जैकेट पहनी, अच्छा नहीं लगता। तो मेरी फ्रेंड्स जो है वो हाफ पे पहुंच चुकी हैं, तो बस मैं अभी थोड़ी देर में ही पहुंचने वाली हूँ, जैकेट उतारती हूँ और आधे टाइम भी जैकेट पहन लूँगी। तो हम लोग आ गए हैं डीबी में, TDS आए हैं, और ये दोनों मेरी जो दो नमूनी दोस्त हैं आके बैठी हुई है, मिलवाती हूँ आप लोगों को। ये बैठा मेरा एक और छोटू दोस्त वीवू से, हाय। ये है करिश्मा, हेलो, 1 2 3 हाय। और ये है दीक्षा, हाय गाइस व्हाट्स अप।
सब्जी रोटी। यहाँ तो नहीं बना सकती मैं, तू बना सकती है यहाँ? या बना सकते हैं? बना सकते हैं वैसे यार। तो बना लेंगे। हाँ मैं तो बना। ओके तो देख कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? वैसे वीडियो चल रहा है। तो गाइज हम लोग मिल लिए हैं, बड़ा अच्छा लगा। मतलब इतनी बारिश हो रही है भोपाल में, बट हम लोग तैरते हुए आए हैं। तैरते हुए नाव चला के आए हम लोग। सो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि अब ये जा रही है वाली है। टाइम लग रही है और सीरियसली कितनी मैं टॉल, आई एम 5'9". सीरियसली आई एम 5'9". दिस इज अ रियलिटी। हम दोनों फ्लैट्स पहने हुए हैं, ये मैडम हील्स पहन करके आई है, इसलिए ये हमारे बराबर ही है, इतनी सी ऊंची होगी बस ज्यादा। सो वो है। और कैसा लगा तुम लोगों को? और हम मिल लिए कि भाई मिलो, बस मिलना है कैसे भी करके। हम लोगों को एक दूसरे की कंपनी बड़ी अच्छी लगती है। हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली है, वो पिक्चर यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगी मैं, बहुत सही सही फोटोज आई है। तो चलो अब हम लोग रील वील बनाने का सोच रहे हैं, हालांकि वी आर इन द मॉल, तो थोड़ा कॉन्शियस भी हो रहे हैं कि बनाए के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा है, और अगर हम यहाँ पे रील बनाएंगे तो ऑब्वियसली रील वायरल हो ना हो, यहाँ पे हम लोग वायरल जरूर हो जाएंगे, बहुत ऑड लगेगा। तो देखते हैं कहाँ बनाते हैं वो है, तो मिलते हैं थोड़ी देर से। क्या चाहिए? अभी इतना मीठा खाया ना। करिश्मा है ये, अभी कुछ और पहनी थी तो करिश्मा ने भी ऊपर शर्ट पहन लिया, मैंने भी ऊपर जैकेट पहन लिया। तो दिस इज अ मैरिड लाइफ। ये मैरिड है पर इसके ससुराल तो दिल्ली में है ना भाई, अभी ऐसा थोड़ा ना, ये भी ससुराल में जा रही है, मैं भी, मतलब जबकि इसके फादर लॉ भी बहुत कूल है, ऐसे टोकते वोकते नहीं है, बट जस्ट फॉर द रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट, मैं भी वैसे ही कर रही हूँ भाई, विद रिस्पेक्ट कर लेते हैं। मुझे इतनी हंसी आई जैसे ये बाहर निकली, तब तक मैं पहन ही रही थी अपना जैकेट, मैंने कहा अपने इस एरिया में आगे पहन लेती हूँ, उतने में ये मैडम पहन के निकली बाहर। क्या ही करेंगे यार, सही बात है। चलो तो हम लोग आ गए यहाँ पे टाइम स्पेंड करके। हम लोगों को बनाना था बूमरैंग, बट हम कहाँ खड़े हैं मेरे घर के सामने, चार मिनट। ये साड़ी ने तो उतार लिया, इसका तो है नहीं, मुझसे कह रही हूँ तू बूमरैंग बनाना है, फिर मैं पहन लूंगी भैया। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है कि क्या टाइम है ना, ये सही बात है, अपन को खुद से भी लगता है ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है पापा लोग के सामने जब नहीं पहनते तो फिर फादर इन लॉ के सामने क्यों वो करना है, वैसा इतना तो है नहीं कि रह नहीं सकते इनके बिना, इन कपड़ों के बिना। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गई थी मनोहर डेयरी, तो यहाँ के मुझे सैंडविच समोसे बहुत पसंद है, इवन यहाँ की कचौरी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बस हम लोग सबके लिए पैक कराने के लिए गए थे, और मैं खुद के लिए भी पैक कराने के लिए गई थी। और उसके बाद फिर एक और शॉप है मथुरा, मथुरा वाली, वहाँ से हमने गरम गरम जलेबियाँ बनवाई और पैक करवाई और सब ने खाई फिर। हेलो एवरीवन, सो आई थिंक करिश्मा दीक्षा से मिल के आने के बाद मैं आप लोगों से मिली नहीं हूँ, तो एक्चुअली मैं बिज़ी हो गई थी बिकॉज मैं आज निकल रही हूँ वापस मुंबई के लिए। तो क्योंकि मैं काफ़ी कम टाइम के लिए भी, मैं सिर्फ 7 days के लिए यहाँ भोपाल आई थी, तो उस बीच में काफ़ी सारे काम होते हैं, मतलब काफ़ी सारे इन द सेंस मीन्स, एंड फिर उसके बाद और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे ये देखिए ये जो आप कार्टन देख रहे हैं ना, इसमें पूरा मेडिकल सामान है, मेडिकल इन द सेंस मीन्स जो जो भी चीज़ें उनको लगती है, मैं मेक श्योर करके जाती हूँ कि ज़्यादा ले करके जाऊँ ताकि वो लोग परेशान ना हो, तो मैं सब स्टफ़ करके जाती हूँ, ओवर स्टफ़ करके जाती हूँ, ताकि भले ही बच जाए वो चलेगा बट कम नहीं पड़ना चाहिए। तो वो सब ले करके अगर आई हूँ, एक दिन पूरा उसमें चला गया, फिर ये सब चीज़ों में मेरा बिजी रहा डे। और कल हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, द केरला स्टोरी। मैंने सोचा था जब मैं मूवी देख लूँगी उसके बाद व्लॉग करूँगी बताऊँगी, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। सारे लोग पूछते हैं कि आप अपने कश्मीर का जो एक्सपीरियंस है वो बताओ, मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगी और मैं डेफिनेटली उसका व्लॉग बनाऊंगी, बट क्योंकि मेरे जो नॉन लोग हैं जैसे मेरे घर वाले हो गए, विक्की हो गया, इन सबको पता है कि मैं बोलते बोलते, मैं बोलती गलत नहीं हूँ बट मैं बहुत रॉ बोल जाती हूँ, जो मैं बोल जाऊंगी, जो मेरा अंदर गुस्सा है, जो मैं कश्मीर होकर के आई हूँ, जो मैंने फेस किया है या जो मैंने देखा है वहाँ पे, वो इतना ज़्यादा रॉ बोल जाऊंगी कि शायद वो चीज़ गलत हो जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आपको तोलना भी पड़ता है कि आपको कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, तो मैं वो फिल्टर आउट नहीं करती हूँ, और ये मेरे घर वालों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं फिल्टर नहीं करती हूँ, तो मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि नहीं बोलना है इस टॉपिक पे। इसलिए जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं वो प्लीज़ वो होप छोड़ दीजिए कि मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास भी मतलब मैं बताना चाहती हूँ बट मैं बता नहीं सकती हूँ, तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन सबको तो मैंने बताया है ना, बता सकते हो उन लोगों को, बट आप ऐसे सोशल मीडिया पर रिकॉर्डेड चीज़ नहीं बोल सकते हो,
गलत हो जाएगा. सो बस आज मैं पैकिंग कर रही हूँ, पैकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ. अभी 4 बजे की मेरी ट्रेन है और क्योंकि मैं जा रही हूँ स्पेशली फॉर निशा के भाई की इंगेजमेंट के लिए, मतलब मैं लिटरली अभी तो इतनी जल्दी मैं इसीलिए जा रही हूँ वहाँ पे तैयारी वगैरह करवाऊँगी. मैंने बोला ना मेरे को वो वेडिंग इज़ लाइक माई घर का वेडिंग और आंटी मुझे ऐसी ट्रीट कर रही है कि भाई तुम्हें भी सब चीज़ें मैनेज करवानी है एंड ऑल दैट. तो मैं भी भाई उस चीज़ का बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हुए टाइम से पहले पहुँच रही हूँ. तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू व्लॉग दैट. तो मैं हम लोग सब पोशाक पहनने वाले, फाइनली हमारा ये डिसाइड हुआ है. ज्वेलरी मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, मेकअप में भी एक दो चीज़ें रखूंगी. तो ट्रेन में बैठ चुके हैं और बस ट्रेन में बैठने के बाद आजकल हम लोग मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, अपनी अपनी बुक्स लेकर के आते हैं. तो यहाँ पर मेरी अभी चल रही है बेसिक्स ऑफ भगवद गीता और विक्की पढ़ रहा है बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. आई थिंक जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक वाले होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट करना पसंद है उनको पता होगा ये वाली बुक के बारे में. तो मैं एक बुक ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ आयुर्वेदा से रिलेटेड और अभी दूसरी मेरी ये चल रही है भगवद गीता वाली. और तीसरी एक और मैंने बुक मंगवाई है, बहुत ही अच्छी बताऊँगी आपको. एंड नेल पेंट वगैरह लगा लगू करके बिल्कुल रेडी होके आई हूँ मैं शादी की तैयारी के हिसाब से. एंड बस अब जब मुंबई पहुँचते हैं तब फिर आपसे मिलती हूँ. ओके गाइज, सो वी रीच्ड हियर, मुंबई पहुंच गए हम लोग. घर की हालत बताती हूँ मैं आपको और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अपने घर की पूरी क्लीनिंग करूँगी एक ही दिन में. मैं अभी सारा क्लीनिंग व्लीन करके सब खत्म कर दूँगी. मैंने अपने हाथ की सारी ज्वेलरीज निकाल दी है बिकॉज आज भगवान को भी क्लीन करना है, घर की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी है. पेट वेट पूरा भर लिया है, बाहर से मंगवा के अपने ब्रेकफास्ट कर लिया था और मैं सो भी ली हूँ अच्छे से 2 घंटा क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. भले ही मैं ट्रेन में कितने भी घंटे सोते हुए आ रही हूँ बट मुझे घर पर नींद चाहिए होती है. और यहीं पर मेरा बस सामान फैला पड़ा हुआ है, आप देखोगे ना अगर ध्यान से, एक मिनट जूम करती हूँ तो आपको इसमें कपड़े नहीं दिखेंगे मेरे कपड़े. तो एक कुर्ता बस लेकर के आई हूँ मैं, एक कुछ लेकर के आई हूँ, बाकी ये सब है ना. ये जो रेड कलर का आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना, ये मेरा जर्नल है. उस तरफ विक्की के कुछ ऑफिस वेयर्स हैं, साथ में मेरा लैपटॉप होगा, फिर ये जो कैमरा अभी आप जिससे शूट हो रहा है ये कैमरा लेकर के आई हूँ मैं. एंड आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही. वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय.